प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच नई दिल्ली में हुई मुलाकात। दोनों देशों ने जल संसाधन, युवा मामलों और तटवर्ती इलाकों में निगरानी सहित 7 क्षेत्रों में किए समझौते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद और घायल हुए जवानों के परिजनों के लिए वित्तीय मदद को 4 गुना बढ़ाने को दी मंजूरी। अब ये राशि 2 लाख से बढ़ाकर होगी 8 लाख रुपए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने कम ध्वनि प्रदूषण वाले पटाखे बनाकर उपलब्ध कराए। उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर तैयार किए गए हैं ये नए किस्म के पटाखे। देश भर में आज धार्मिक परंपरागत उल्लास से मनाया जा रहा है महाअष्टमी का त्यौहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महाअष्टमी के पर्व की शुभकामनाएं दी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठ के महंत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की सप्तमी को मां कालरात्रि की पूजा की। दुर्गा सप्तशती के पाठ और वैदिक मंत्रों के साथ किया गया पूजन। गोरखपुर में महंत अवैद्यनाथ की स्मृति में हो रहा है मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनाथ को सुनने और राम के आदर्शों को जीवन में उतारने की जरूरत बताई। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर आज प्रयागराज के शक्तिपीठ अलोप शंकरी समेत देवी मंदिरों में पूजा अर्चना। अलोप शंकरी शक्तिपीठ में मूर्ति की जगह माता की एक पालने की होती है पूजा। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में भी हो रही है नवरात्रि की पूजा अर्चना। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के साथ ही गरबा के आयोजनों में भी श्रद्धालुजन ले रहे हैं हिस्सा। देवी भागवत में वर्णित बड़ी काली देवकाली जी के अयोध्या स्थित मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। भगवान राम की कुल देवी बड़ी देवकाली के मंदिर में नवरात्र में हो रही है विशेष पूजा अर्चना। लखनऊ से आनंद विहार जा रही डबल डेकर ट्रेन मुरादाबाद के कटघर स्टेशन के पास हुई बेपटरी। ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे सभी यात्री सुरक्षित। बहराइच के बलहा विधानसभा में उपचुनाव के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की जनसभाएं। कहा, भाजपा विकास के नाम पर लड़ रही है ये चुनाव। गुरु नानक देव की 550 साल प्रकाश उत्सव के अवसर पर बरेली में स्कूली बच्चों ने साइकिल रैली निकाली। रैली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने शामिल होकर छात्रों का बढ़ाया उत्साह। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने आज अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का थामा दामन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में किया शामिल। हापुड़ की रहने वाली कैंसर पीड़ित महिला पूजा महेश ने कूड़े बीनने वाले परिवारों में से 40 बच्चे तलाश कर बदली उनकी जिंदगी। उनके प्रयासों से झोपड़पट्टी के ऐसे बच्चों में भी अब पढ़ने की अलख जगी। फरुखाबाद में 2 दिवसीय ग्राहक बैंकर मिलन समारोह का हुआ आयोजन। किसानों, छोटे बड़े व्यापारियों, महिलाओं और आम जनता ने बैंकों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्राप्त की जानकारी।